हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा की बोल। हमारी शक्कर गुड़ गल्ला बिकले लखनऊ जाता था, एक भैरो ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी। वहां पर एक शर्मा जी उस कंपनी के मालिक थे, आज वो बम्बई सेटल हो गए हैं। तो हम लाइसेंस के लिए माननीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी के पास जाया करते थे लखनऊ में। तो ये जनपद सामने विधायक निवास है, बी ब्लॉक, यहाँ पर माननीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी रहते थे। तो लखनऊ जाते थे तो उनके पास चले जाते थे, चाचा लाइसेंस की सिफारिश कर दो। तो शर्मा जी ने ये कहा कि भैया इसमें कौन रहता है, तो हमने कहा इसमें विधायक लोग रहते हैं। तो क्योंकि शहर के थे, व्यापारी थे, उनका विधायक से ताल्लुक नहीं था, तो बोले विधायक कौन होता है। तो हमने कहा जो प्रदेश की विधानसभा में आते हैं और प्रदेश में कानून बनाते हैं, और इन्हीं में से जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं सरकार चलाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं विधायक बनूंगा और इसी मकान में आऊंगा, और आप किसी से पूछोगे कि नरेंद्र वर्मा जो हैं यहाँ पर किस कमरे कौन सा उनको कमरा मिला है। ये बात होगी लगभग 85 के आसपास की। और जब मैं MLA हुआ तो मुझे उसी बिल्डिंग में कमरा अलाट हुआ। और वो शर्मा जी आए तो बोले यार तुमने 6 साल पहले कहा था और वही मकान आपको मिला जिस बिल्डिंग में मिठाई लेने आए। तो हमने कहा ये ईश्वर की कृपा और क्षेत्र लोगों प्रयास कि हम जहाँ कह के गए थे वहीं पर कमरा मुझे मिल गया। अच्छा ये बताइए, गाँव से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा, अब इतना व्यस्ततम शेड्यूल रहता है, उसी फ्रिक्वेंटली आप गाँव जा पाते हैं या भी मिस करते हैं अपने गाँव? निश्चित तौर पर हमारा कल्चर गाँव का था, है और रहेगा। तमाम से लोग राजनीति में आने के बाद अपना ज़मीनी आधार भूल जाते हैं और बचपन के साथियों को, बचपन के मित्रों को भूल जाते हैं। निश्चित तौर पर हम गांव के लोग हैं, गांव के कल्चर से निकले हुए लोग हैं, किसान परिवार से आए हैं और व्यापारी परिवार से भी आए हैं। क्योंकि हमारे पिताजी शक्कर का कारखाना था, गुड़ बनाते थे और गल्ले कारोबार करते थे। हमारे बाबा के पास ईंट का भट्टा था और हमारे पर बाबा के पास और बाबा के पास महमूदाबाद में अमीरगंज में बाबू रामाधीन जी के साझे में गल्ले की आड़त थी। शहादतगंज में भी हमारा कारोबार था। आज भी पूरा कोरोना काल रहा, मैं किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तमाम राजनेता, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति अपने घर मकान में सिमट गए अपने को बचाने को लेकर के। लेकिन हम और हमारे साथी महमूदाबाद में वर्किंग डे में 38 जगहों पर वितरण करते थे जी। जो चीनी मिल बिस्वा के गन्ना क्रय केंद्र थे, जितनी बैंकें थी हमारे क्षेत्र में और जितने ये बैंकों के जो मिनी केंद्र होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं ये थे। उसके बाद जिस दिन ये वर्किंग डे नहीं होता था बैंकों का, इफ्को के गोदामों का, उस दिन हम खेत खलिहान बाजारों में निकलते थे। तो जो फर्स्ट लॉकडाउन रहा उसमें लगभग 120 दिन तक हम हमारे साथी महमूदाबाद में वितरण करते रहे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महमूदाबाद से कोई भी आदमी भूखा नहीं निकला। अब जैसे विधायक रहे, उसके बाद में आप कैबिनेट मंत्री भी रहे, उतने वेस्टर्न शेड्यूल में जब आपके पास में राज्य सरकार के भी काम होते थे, विधानसभा में भी है, तो उस दौरान क्या आपसे आपके लोग आसानी से मिल पाते थे? कैसे तारतम्य बैठा? हमसे और हमसे मिलने के लिए किसी गैर की जरूरत आज तक नहीं हुई है और ना मुझे किसी सुरक्षा और रक्षा का खतरा रहता है। मैं आज भी अपने महमूदाबाद में या कहीं भी जाऊं, मुझे सुरक्षा कोई दिक्कत नहीं रहती है। मैं पैदल भी निकलता हूं, साइकिल पर भी निकलता हूं, मोटरसाइकिल पर भी बैठता हूं और मैं दोस्त यारों की किसी की गाड़ी में बैठकर मैं सफ़र करता हूं। अभी मानवता उसको कहें या हम अपने शब्दों में उसको क्या कहें, एक मेल मिलाप का ऐसा एक अलग ही उद्भव रहा है इनका कि हम जब से इनके संपर्क में आए हैं, ये पढ़ाई करते थे तो ये तो कमलापुर में पढ़ाई करते थे, हम अहमदाबाद में करते थे, लेकिन जब यहाँ आते थे तो हम लोग आपस में बैठ के अपना खूब अपनी बातचीत करते थे, अपना जो भी एक
सामाजिक तौर पे एक लहजा होता था, उसके बाद ये हो रहा है कि उससे कहीं ये अधिक ही हो गए हैं, विनम्र हो गए हैं। मूलतः किसान परिवार से जुड़े रहे हैं और इनका जो है मुख्य कार्य कृषि ही रहा है और कृषि के साथ ये समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। इनके पिताजी एक खांडसारी उद्योग का काम करते थे। मैंने इनको अपने खांडसारी उद्योग में गन्ने का बोझ कोल्हू तक पहुंचाते हुए भी देखा है। तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैनुअली ही काम हुआ करता था, लेकिन लेबर होने के बावजूद भी ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको इतना समाज सेवा करते हैं तो एक राजनीति का माध्यम भी समाज सेवा का होता है, तो आपको आना चाहिए। प्रथम बार चुनाव ये लड़े थे ब्लॉक प्रमुखी का और एक वोट से ये हार गए थे। चूँकि वो इंट्रोडक्शन पीरियड था राजनीति के क्षेत्र में, एक वोट से ये रह गए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दुगनी गति से इन्होंने समाज सेवा का कार्य अपना प्रारंभ कर दिया। लोगों से मिलना, गरीबों को कंबल देना, उनके लिए सहायता करना, बाढ़ में जाना, बाढ़ में कोई बात दिक्कत आ गई है, किसी का घर गिर गया है, तो अपने निजी संसाधनों से ये लगातार जुटे रहे और आज जो ये बड़ी बड़ी सफलताएँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें चाहे आप दुआ कहें या लोगों का सहयोग उसका प्रतिफल कहें, जो भी है आज इस स्तर पर जो पहुँचे हैं, छठी बार ये आज की तिथि में विधायक हैं और सातवीं बार की प्रतीक्षा हो रही है, कब चुनाव का बिगुल बजे और सातवीं बार के लिए अहमदाबाद की जनता इनको अपने पूर्ण ताकत के साथ इनको विजयी बनावे, जैसा कि हमको लग रहा है कि ये सातवीं बार भी बनेंगे। हमारा बस स्टैंड जर्जर हो गया था, हमने नया बस स्टैंड बनवा दिया, अखिलेश से बात करके अनुरोध करके। आगे निश्चित तौर पर इस सरकार में थोड़ा हमें दिक्कत लगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव से अनुरोध करके हमने चहलारी घाट का पुल बनवाया था जो लखनऊ से नेपाल को जोड़ता है। दुर्भाग्यवश हमारे 9 अस्पताल बंद खड़े हैं, 4 राजकीय हाई स्कूल बंद खड़े हैं, 1 राजकीय इंटर कॉलेज बंद खड़ा है, 100 बेड का बालिका छात्रावास बंद खड़ा है जो संचालित नहीं है। 3 गांव हमारे क्षेत्र में चयनित हुए थे आई स्पर्श स्मार्ट योजना में, मीरानगर, कपूरा, पोखरा कला, वो काम भी अधूरे पड़े हैं। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि कल हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, हमारे पर पद नहीं होगा, लेकिन विकास का जो एक इतना सा ईंटा लग जाएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। महमूदाबाद लखनऊ से जुड़ा हुआ है, हम सबकी इच्छा है कि महमूदाबाद जिला बने, क्योंकि जिला मुख्यालय से लगभग हमारा क्षेत्र रामपुरा 100 किलोमीटर दूर है। महमूदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया बने, बाईपास बने, महमूदाबाद में फतेहपुर में बाईपास बने, बाईपास की जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है, नूरपुर पुल का चौड़ीकरण हो, ऑडिटोरियम बने महमूदाबाद में, महमूदाबाद मीरानगर की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो, महमूदाबाद बाहूपुर की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो, हमारे पैतृक गांव पोखरा कला की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो, सदरपुर बिस्वा गुड़ैचा का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो, ये प्रमुख मार्ग है, फतेहपुर से चांदपुर की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो, सदरपुर से नीमा डारा की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हो और तमाम सड़कें जो जर्जर हैं उनकी मरम्मत हो। मैं कई गांवों को गया, नरापुर गांव था, कारणपुरवा गांव था, पररिया गांव था, सुल्तानापुर गांव था, तमाम गांव थे। वहां की कई वृद्ध माताओं ने और वृद्ध लोगों ने मुझे कहा कि भैया आपने हमें अनाज दिया है, तो हमने कहा अनाज मैंने नहीं दिया है, अनाज आपकी मेहनत से मिला है, आपने मुझे विधायक बनाया, इसके पहले भी तमाम लोग रहे होंगे विधायक सांसद, शायद उनके दिमाग में ये चीज़ न गई हो या सच्चे मन से वो प्रयास न किए हों। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम मैं उसी को मानता हूँ, स्वीपर मुक्ति का, चूँकि हजारों हेक्टेयर जमीन जो जलमग्न थी वो जलमुक्त हो गई और लोगों का नया जीवन मिला। आज मुझे खुशी है कि जो महमूदाबाद का पीजी कॉलेज है उसमें मैंने बीएससी बढ़वाई
और 6 सब्जेक्ट से एमए बढ़वाया। शिक्षा के क्षेत्र में कलुआपुर में 100 बेड का बालिका छात्रावास, शेखपुर में 100 बेड का बालिका छात्रावास, महमूदाबाद में रेलवे लाइन के दक्षिण 100 बेड का बालिका छात्रावास जो आज संचालित नहीं है, जिला योजना से पॉलिटेक्निक में छात्रावास, और GGIC महमूदाबाद ध्वस्त में 8 रूम हमने बनवाए। वो आश्रम पद्धति विद्यालय आवासीय पिछले कार्यकाल में हाजीपुर में मैंने बनवाया था, इंटर कॉलेज समाज कल्याण विभाग से। एक मैंने आश्रम पद्धति विद्यालय बनवाया था मुर्तजा नगर में बालिका पिछले कार्यकाल में। रामपुरतरा का जो स्कूल था भवनहीन, उसका भवन बनवाया। बांसुरा जो भवनहीन था उसका भवन बनवाया। डिग्री कॉलेज जो भवनहीन था उसका भवन बनवाया। रामपुरतरा CSC और सरैया CSC का भवन बनवाया। जोड़ौरा राजकीय इंटर कॉलेज, अकबापुर राजकीय इंटर कॉलेज और सहारा राजकीय इंटर कॉलेज, ये और निर्मित करवा कर हमने चालू करवाए। एक राजकीय इंटर कॉलेज लाइल खुर्द का हमारा बना खड़ा है, संचालित नहीं है। और लगभग 12 के आसपास राजकीय हाई स्कूल बनवा करके मैंने संचालित करवाए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र सीतापुर जनपद में जनपद मुख्यालय से भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे है। हमारे पास सर्वाधिक राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट के, यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, डॉक्टर अंबार साहब के प्रयास से वो खुला था, आज वो भी उसकी रैंकिंग जो है अच्छी है। हमारे डिग्री कॉलेज की रैंकिंग वो भी डॉक्टर अंबार साहब के प्रयास से खुला था, हमने उसको आगे बढ़ाया है, उसकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो लखनऊ मंडल में किसी भी तहसील से सबसे बड़ा होगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम सीतापुर जनपद में सबसे आगे हैं। अब आपका क्या सपना है, तो लगता भी अधूरा रह गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अस्पताल महमूदा क्षेत्र में है। अब वो अलग बात है कि उसमें से 9 अभी सरकार संचालित नहीं करवा पाई है, नौ। चलिए आइए, आप देख लेते हैं, इतना काम किया है। देख लें अस्पताल, ये आपका ही अस्पताल है ना? नहीं नहीं, ये इसी की तारीफ कर रहे हैं। देख लें, ये पुराना अस्पताल, ये नया भी बनवाया। अच्छा, ये पुराना वाला अस्पताल था, ये माननीय विधायक जी ने जो है अपने कार्यकाल में बनवाया था। ये डॉक्टर वॉक्टर रहते हैं? हाँ, डॉक्टर खाली मात्र में खड़ी है। आप तो डॉक्टर रहते हैं, आपको सरकार बन गई, आपको इसके अंदर जैसे आप लोग बता रहे हैं कि स्कूल है, अस्पताल है, पता चला स्कूल में मास्टर वास्टर है। यहाँ पे 9 अस्पताल बने खड़े हुए हैं, संचालित भी नहीं हो पाए कुछ भी कार्यकाल में। एक का लोकार्पण भी हो गया, उसके आज ही घर भी हो गया था माननीय मुख्यमंत्री जी। तो डॉक्टर वॉक्टर आते हैं, बैठते हैं, खड़ी खड़ी है। हाँ, यहाँ यहाँ पे तो डॉक्टर है, लेकिन बाकी क्षेत्रीय जो नए अस्पताल बने खड़े हैं वहाँ पे लोकार्पण हो गया, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर कोई सुविधा कुछ नहीं, लोकल लोकल वहाँ पे नौ बने सरकार के पास सुविधा नहीं होगी। और जो हो सकता है उनको कि वो विपक्ष के बनवाए हुए हैं इसलिए नहीं उनको चालू कर रहे हों, या ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये विपक्ष और सत्ता पक्ष का खेल है कि बने हुए खड़े हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार उसको क्रेडिट नहीं लेने? हाँ, क्रेडिट नहीं लेने, दो के क्रेडिट लिए हैं, दो के लोकार्पण हो चुके हैं। सिदौली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो दो का जो है एक भुड़कुला गाँव का अस्पताल और एक पोखरा गाँव का अस्पताल जो पुराने कार्यकाल में माननीय विधायक जी के बनवाए हुए। अच्छा, अभी कौन सी कमी लग रही है, क्या और कौन सा काम होना चाहिए? अभी तो बहुत काम, अब अगर पुनः फिर से सरकार आती है तो वो अस्पताल पुनः संचालित करेंगे। डॉक्टर साहब रहे जी, का जब आओ तो डॉक्टर साहब मिले थे कि पता चला गायब रहा था? दवाई वही मिले थे? हाँ, दवाई मिला। मतलब बड़ा खुश नजर आ रहे हो? बढ़िया काम हो रहा, तो बढ़िया।
जब बढ़िया था विधायक विधायक जी से मुलाकात और विधायक विधायक जी से मुलाकात होती है क्षेत्र की। हाँ कभी कभी आवत है गाँव में मिले मिले कभी कभी जो हम रुकते हैं तो मिल जाते हैं जो हम ही नहीं हैं तो। अच्छा तुम कहीं बाहर रह रहे हो? हाँ काम कर रहे हैं बाहर लखनऊ। मतलब कुल मिला के संतुष्ट हो? हाँ अच्छे से व्यवस्थाओं से सरकारी। हाँ कम से कम उनके सुधारा दो तीन इंटर कॉलेज बनाए खड़े हुए हैं हाई स्कूल बनाए खड़े हुए हैं सरकारी लेकिन उसमें घास जमी अभी कोई ना टीचर की व्यवस्था है ना कोई ऐसी व्यवस्था का है। किस वजह से? अब किस वजह से नहीं अब सरकार का ढीलापन हो गया है अभी अब कोई सरकार का तो है नहीं। मतलब आपका सीधा आरोप है कि आप चूंकि मतलब विधायक जी समाजवादी पार्टी की सरकार बीजेपी के तो बस इसी के लिए उनका लोकार्पण भी एक हो चुका है मतलब लैल कला का स्कूल का इंटर कॉलेज का लोकार्पण भी हो चुका है लेकिन आज भी उसमें घास जमी पड़ी है। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि यहाँ पे राजनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण कामों पर भी रोक लगा दी जाती है। अब बात करें जैसे यहाँ पे कई स्कूलों की तो चूंकि यहाँ के विधायक 7 बार लगातार जीते हुए हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं से विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर यहाँ पे और काम करा दिया जाएगा तो क्रेडिट इन्हीं का जाएगा। यही वजह है कि जितने स्कूल हैं उसमें से कई स्कूल लोकार्पण होने के बावजूद उनमें घास ही जमी हुई है। अगर पिछली बार वो अस्पताल चालू होते तो कोरोना से यहाँ पर सब लोग इतनी मौतें हुई थी कि यहाँ पर संसार में जगह नहीं थी पिछली बार। अगर अलग उस मतलब और राजनीति से हट के अगर विकास कार्य पर राजनीति होती तो यहाँ के मरीजों को अंदर तक भटकना नहीं पड़ता ऑक्सीजन के लिए बीजेपी विकास विकास कोई नहीं। जितना विकास हुआ है सारा विकास करने का वर्मा के कार्यकाल में हुआ है उसके बाद यहाँ पे एक ईटा भी नहीं रखी। बीजेपी वाले कोई मतलब चुनाव के टाइम आते हैं चुनाव के बाद दिखते भी नहीं। अच्छा कोई प्रत्याशी दोबारा नजर नहीं आता तो ऐसा तो नहीं गुरु की जब जानते हैं कि सीट निकलनी नहीं तो काहे मेहनत करे तो मेहनत क्यों काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपको जनता का नहीं पता जब काम ही कोई नहीं हुआ अब जैसे आप है भाई अगर विधायक जी कुछ तुम्हारे कहने को बीजेपी के माता भी बाप नहीं है अब किसके पास अपने यहाँ पे विधायक जी हमारे ये हफ्ते में 3-4 दिन तो मिलते ही रहते हैं विधायक जी से काफी संतुष्ट लोग हैं। अच्छा एक चीज बताइए इतनी व्यवस्थाएं इतने लोगों से मिलना जुलना तो जो आपके बचपन के दोस्त थे तो आप उनको मिस करते हैं या उनके साथ आपको नहीं लगता है कि हमको भी सब फुर्सत निकाल कर बैठ के नहीं हमको मिलते हैं हम भी जो अपने गाँव जाते हैं तो होली दिवाली हम गांव में रुकते हैं और चूँकि ज़्यादा समय वहां दादा रहते थे दादा इस समय दिल्ली में है तो हमारा भतीजा हमारा बेटा जो है वो गांव में है तो हम होली दिवाली गांव जाते हैं पूरे गांव के लोग मिलते हैं। बाकी हम गांव गए किसी क्षेत्र में गए तो घर पर रुकते हैं गांव में रुकते हैं और होली दिवाली हम घर घर अपने गाँव में पुरवा में कुटी में एक एक दरवाजे जाते हैं। पुराने मित्रों से जुड़ाव आज भी है आपका? निश्चित तौर पर उसमें तमाम मित्रों को हम नहीं पहचान पाते हैं चूँकि कोई 1-7 साल पढ़ा कोई 2-7 साल पढ़ा लेकिन हमसे जब मिलते हैं और बात होती है तो मुझे याद आता है कि हमारे साथ कमलापुर में पढ़े थे ये हमारे साथ लखनऊ परीक्षा दिए थे ये हमारे विषम पढ़े थे तो बचपन याद आता है। अच्छा आप मिस क्या करते हैं अपनी लाइफ का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मिस करते हैं इतनी व्यवस्थाओं के बीच जो आपको लगता है कि खो गया? नहीं हमारे साथ कहीं कुछ खोया नहीं हम आज भी लोगों से मिलते हैं लोगों को सुख दुख में शामिल होते हैं और लोग हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। हमने राजनीति को एक सेवा भाव मान करके आगे बढ़ाया है। भगवान न करे कहीं आग लगती हमारे क्षेत्र में कहीं बाढ़ आती है तो सबसे पहले टेलीफोन हमको या हमारे किसी जिम्मेदार साथी को आता है हम शुरुआत करते हैं और समापन हमारे मित्र करते हैं। मैं अहमदाबाद के समाजसेवी महमदा गांव देहात के सब लोग मिलकर के समापन करते हैं और समापन तब करते हैं कि जब लोग अपनी आपदा से उभर आते हैं। लहर चली और हमारी पार्टी को भारी नुकसान हुआ हम भी बहुत कम वोट जीत पाए थे चुनाव लेकिन तो महमूदाबाद के लोगों का आशीर्वाद है हमारे मित्रों का स्नेह है तमाम बाहर के हमारे शुभचिंतकों का प्यार है जो इस लहर में भी हमारी नैया पार कर दी। महमूदाबाद के विकास के बारे में महमूदाबाद के वासियों को और हमको बड़ी उम्मीदें हैं माननीय अखिलेश यादव जी से। हमारे यहाँ वो है जो मैंने पहले कहा जो सीतापुर में नहीं है नगर में नहीं है हमारे क्षेत्र में इतने गेस्ट हाउस हैं सरकारी उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अंबार साहब का है
उन्होंने दो कमरे बनवाए थे, हमने उसमें एक और बढ़वा दिया। उस समय कमरों में एसी नहीं था, हमने एसी लगवा दिया प्रयास करके। स्टेडियम वो लाए थे, अमार साहब लाए थे, स्वीकृत कराए थे, हमने उसमें स्विमिंग पूल बना दिया, हमने उसमें लर्निंग पूल बना दिया बच्चों का, हमने उसमें जिम खुलवा दिया, एक आधुनिक जिम खुलवा दिया, हमने उसमें बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया। इतना बड़ा स्टेडियम सीतापुर मुख्यालय पर नहीं है और ना इतना बड़ा स्विमिंग पूल वहाँ है, तहसील मुख्यालय कहीं नहीं होगा। तो ये है स्विमिंग पूल, लेकिन पानी आने तो है ये नहीं, पानी कहाँ नहीं, दो चार चीज़ें नहीं इसमें आप रहता है, एक अप्रैल से लेके जो है तीस अक्टूबर तक इसका सीजन। अच्छा सी, दूसरा कोविड भी तो वजह होगी। हाँ, ये गवर्नमेंट का स्पोर्ट स्टेडियम है। जी जी, तो गवर्नमेंट का यही नियम है कि एक अप्रैल से जी और 30 अक्टूबर तक इसका प्रशिक्षण होता है यहाँ पर, बाकी ठंडक के सीजन में आप। मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं, ये महमूदाबाद, ये नवाब का महल होता है। हम भी महमूदाबाद विधानसभा की यात्रा का सफ़र अब यहीं से ख़त्म करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि विधानसभा महमूदाबाद की यात्रा का तो समापन हो गया है, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे एक फिर नई विधानसभा में और दिखाएंगे वहाँ का रिपोर्ट कार्ड।